ओके सो हाय गाइस, तो चलिए जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। सो गाइस, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ वन एंड ओनली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम के बारे में, जो कि अब दोस्तों बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नहीं रहा है। अब दोस्तों इस गेम को जो है वो लोग हैकर्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम से बुला रहे हैं। और भाई सच में ये गेम ना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसका मैं आपको जीता जागता प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। एंड अब दोस्तों बड़े बड़े स्ट्रीमर, बड़े बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर भी जो वो इस गेम से जो वो पक चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं दोस्तों जो वो इस गेम को स्ट्रीम करना भी क्विट कर रहे हैं। तो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइक कर देना और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि भाई मुझे पता है कि ये वीडियो भी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन भाई मेरा काम है आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। एंड मैं सच ही बोलता हूं हमेशा, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। जो चीजें सामने निकल के आती है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और अभी पहुंचा रहा हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद गेम हो चुका है। जी हाँ, मतलब सच बता रहा हूँ, अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को खेलने का भी मन नहीं करता है दिल से। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियसली मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई यहाँ पर गेम के अंदर जो है वो मतलब रियल प्लेयर से ज़्यादा जो है वो हैकर्स हो चुके हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे चूतिए यूट्यूबर्स हैं भाई जो इस चीज़ को ना प्रमोट करते हैं। जी हाँ, और भाई उनकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं अगर वो किसी हैक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं कि हैक किस तरीके से किया जाता है, BGMI को किस तरीके से एम बॉड लगता है, किस तरीके से वाइट बॉडी बॉडी लगता है, नो रिक्वायर नो ग्रास, इस तरीके की वीडियोस अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, आप जाके खाली सर्च करो BGMI 1.6 हैक, आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों को मिलियंस में लाखों में व्यूज़ होगा, ठीक है ना। और जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर जो मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियो पे 10-20 हज़ार व्यूज़ से ज़्यादा नहीं जाता है, और भाई जो गलत चीज़ें बता रहे हैं उनकी वीडियोस पे व्यूज़ ही व्यूज़ आता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्टल भाई के बारे में। तो मॉर्टल भाई ने भाई आज हैकर्स को लेकर जो है वो फाइनली जो है वो आवाज़ उठाई है। आवाज़ क्या उठाई है वो मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान भी कुछ बातें कही है। तो सबसे पहले आप ये इनका छोटा सा क्लिप जो है वो देख लो। जनों, हम आपको समझ सकते हैं, आपका दर्द समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैकर फेस करते हो। आज मुझे रियलाइज हो रहा है हैकर दूर की बात, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना वो भी थे, तो भाई हमसे तो होगा नहीं एकदम। आई एम सॉरी, थोड़ा टाइम के लिए रुक जाओ, हम दोपहर भर स्क्रीम्स खेलते हैं, लेकिन रात में अगर ऐसे आके मर रहा है तो जमेगा नहीं खेलने को, थक जाएगा रे ऐसे BGMI से। हम चिल करना चाहते हैं, कोई नहीं सर होता है, अरे हम दुखी नहीं है, हम सिर्फ एड्रेस। तो जैसा कि आप लोगों ने इनके क्लिप को देखा, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि भाई ये कितना ज़्यादा गेम से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया कि BGMI क्लासिक मैचेस आर टर्निंग इनटू होम ऑफ चीटर्स, ruining the fun every 2 out of 5 games, making it impossible to stream freely and create content around the game. तो भाई यहाँ पर जो वो ये लोग भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही स्ट्रीम कर पा रहे हैं, ना ही दोस्तों यहाँ पर जो वो अच्छे से मतलब फ्रीली जो वो गेम खेल पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये लोग गेम खेलते हैं भाई इनको हैकर्स मार के चले जाते हैं। तो भाई एज अ स्ट्रीमर, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हम ऐसे गेम को क्यों ही स्ट्रीम करें जो फुल ऑफ हैकर्स से भरा हुआ हो। और भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि भाई ये क्राफ्टन जो है वो इन जैसे यूट्यूबर्स के चैनल को क्यों नहीं उड़ा रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि क्राफ्टन इतनी बड़ी कंपनी है भाई, वो चाहे तो 10 मिनट में सारे वीडियोस को टेकडाउन कर सकता है, सारी चैनल्स को टेकडाउन कर सकता है, लेकिन भाई मेरे को समझ नहीं आता कौन सा सस्ता नशा करके बैठा हुआ भाई इतने सारे वीडियोस बनते हैं। भाई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उसको देख करके और हैक ट्राई करते हैं। एंड भाई इन वीडियोस को अगर जल्द से जल्द नहीं हटाया गया ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भाई जितने भी बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स हैं, जो भी स्ट्रीमर्स हैं, जो भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, जोनाथन डायनमो, ये लोग सारे जो है वो गेम को स्ट्रीम करना छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हैकर, जस्ट बिकॉज ऑफ बर्बाद गेम। जी हाँ, अभी गेम पूरी तरीके से भाई हैकरों ने जो है वो बर्बाद करके रख दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल का बात बता रहा हूँ, अगर आप BGMI खेलते हो दिन में, जी हाँ अगर आप दोस्तों प्ले करते हो, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि ये गेम में अब कुछ भी नहीं बचा है। इससे अच्छा तो भाई गेम जो है वो बैन ही अच्छा था। हम लोग पबजी खेल रहे थे VPN लगा के, कुछ जुगाड़ लगा के, भाई हैकर्स का तो इतना यहाँ पर हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा था। तो भाई देखो, ये गेम जो है वो भाई हैकरों का जो बसेरा हो चुका है। एंड मुझे बिलीव है कि ये आने वाले टाइम में ये घटेगा नहीं, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। एक टाइम पे दोस्तों ऐसा पबजी मोबाइल के ही साथ भी हुआ था कि भाई उसको गेम को ना खेलने का ही मन नहीं करता था, मतलब भाई प्ले करने का मन ही नहीं करता था। और अभी सेम एज इट इज़ जो वो BGMI के साथ भी यही फीलिंग आ रही है कि भाई इस गेम को खेलने का मन ही नहीं करता, सच बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इतने हैकर्स हैं, इतने चूतिए भरे हुए, इतने चीटर्स भरे हुए गेम में कि मैं आपको क्या ही यहाँ पर बताऊँ। तो भाई यहाँ पर तो मैंने आपको मॉर्टल भाई के बारे में बता दिया, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो स्काउट भाई के बारे
बारे में बता देता हूँ, स्कॉट भाई ने भी इसके बारे में, हैकर्स के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाला है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मी आफ्टर फेसिंग हैकर एंड ट्राइंग टू किल देम, बट द गेम हैज़ प्लान्ड समथिंग एल्स फॉर यू, गेम इज लिटरली अनप्लेएबल राइट नाउ कॉज ऑफ हैकर्स। मतलब गेम ये बोलना चाह रहे कि भाई गेम ना प्ले करने के लायक नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ हैकर्स, गेम में इतने हैकर्स हो गए हैं कि खेला ही नहीं जाता है भाई, इनको मार ही देते हैं भाई कहीं ना कहीं से। और ये लोग आप सभी लोग जानते हो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और स्टोरी लगाया जहाँ पर इन्होंने लिखा कि भाई ऑटो K9 भी होती है गेम में, डीमोटिवेट हो गया हूँ इसके बाद। मतलब भाई ये लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं भाई BGMI को स्ट्रीम करने से, एंड मेरे को पूरा भरोसा है कि भाई अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो भाई सभी लोग जो है वो इसको स्ट्रीम करना भी आने वाले टाइम में छोड़ देंगे, क्योंकि भाई ये गेम फुल ऑफ हैकर्स से भरा हुआ। और मैंने जैसा कि आपको बोला कि पूरी तरीके से गेम जो वो बर्बाद हो चुका है, मुझे पता नहीं समझ में, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये BGMI की टीम करके आ रही है इंडिया में बैठ के। क्राफ्टन का ऑफिस जो खोल लिया भाई बैंगलोर में, पता नहीं चाय सुट्टा चल रहा है वहाँ पे या क्या चल रहा है भाई। क्राफ्टन वाले तुम क्या कर रहे हो भाई, हैकर्स का कुछ करो, इन यूट्यूबर्स का कुछ करो भाई, तभी तुम्हारे गेम का कुछ हो पाएगा। BGIs भी आप सभी को पता है इसी वजह से डीले हो रहा है भाई। हैकर्स आप लोग जान रहे हो कि भाई स्लॉट लाते जा रहे हैं, बैन करते जा रहे हैं हैकर को, और भाई बैन कर रहे हैं 1 लाख तो भाई 10 लाख हैकर और आ जा रहे हैं गेम के अंदर। भाई देखो गेम पूरी तरीके से हिट है, अभी भी टाइम है, हैकर्स की माँ बहन कर दो, इन यूट्यूबर्स की माँ बहन कर दो तो गेम बच जाएगा, ठीक है ना। हैकर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो अभी हाल है ना गेम का, अगर ऐसा रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई जो जितने भी BGMI प्लेयर्स जो खेलते हैं वो भाई जो है वो किसी और गेम में शिफ्ट होंगे या फिर कुछ और ही ट्राई करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कॉमेंट करके बताओ। इससे अच्छा गेम बैन था भाई, बैन ही कर दो अच्छा रहेगा, क्या ही हो रहा हूँ। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरे भी माइंड में है। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।